हेलो व्यूअर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है हमारा। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अब आप देखें कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिल्डिंग को अपने बिजनेस में एंगेज करना चाहते हैं तो क्या आप कर रहे हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट को फेस कर रहे हैं। इसी तरह से आप कहीं पे जॉब करते थे लेकिन आपने वहाँ से जॉब छोड़ी क्योंकि आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें, तो अब आपने क्या फेस किया? इम्प्लिसिट कॉस्ट को फेस किया। मीन्स हर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपको फेस करना पड़ रही है बिकॉज आप अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हो, वो सब कुछ क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। इसी तरह से एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है हर वो पैसा, एक्स से आपने याद रखना है कि एक्सटर्नल मीन आउटसाइड पे जा रहा है पैसा, तो आपके बिजनेस से जो भी पैसा बाहर को जा रहा है, चाहे वो आप किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, फ्यूल्स खरीद रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन पे लगा रहे हो, जो भी खर्चे आप कर रहे हैं, आपके सारे खर्चे क्या हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो तो आप एक्सप्लिसिट को फेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हो तो आप इम्प्लिसिट को फेस कर रहे हो। इसी तरह से आप अगर किसी को वेज देते हो तो आप एक्सप्लिसिट को फेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी खुद जॉब कर रहे हो, आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ को एंगेज कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को फेस करें। इसी तरह से आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। इसी तरह से आपने फ्यूल बाय किया, वो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, आपने इस एग्जांपल को अच्छे से समझना है। अगर आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गई तो इट मींस कि आपको क्वांटिटेटिव मेथड आ जाएगा सॉल्व करने का कि एक्सप्लिसिट को कैसे हमने सॉल्व करना होता है। तो गोमेज रन्स अ स्मॉल पॉटरी फॉर्म, ही हायर्स वन हेल्पर एट $12,000 पर ईयर, पेज एनुअल रेंट ऑफ $5,000 फॉर हिज जॉब। अच्छा, अब उसने एक हेल्पर को हायर किया यानी कि मुलाजम रखा, इट मीन्स उसको वेज देगा, तो वेज कितनी दे रहा है? 12,000। तो ये क्या हो गया? आपका एक्सप्लिसिट होगा। इसी तरह से वो बिल्डिंग का रेंट पे करता है 5,000, तो ये क्या होगा? एक्सप्लिसिट होगा। मटेरियल उसने बाय किया $20,000 का, ये क्या है? एक्सप्लिसिट है। इसी तरह से गोमेज के 40,000 के अपने फंड्स थे जिनसे उसने डिफरेंट रॉ मटेरियल ख़रीदा, और अगर वो ये 40,000 बैंक में रखता तो उसको $4,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल जाता, लेकिन उसने इंटरेस्ट रेट को फॉरगो कर दिया बिकॉज वो अपने पैसे को बिजनेस में एंगेज करना चाह रहा है। तो अब 4,000 क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा क्योंकि अब वो उसको रिसीव नहीं होगा। इसी तरह से गोमेज हैज़ ऑफर्ड 15,000 पर ईयर टू वर्क एज अ पोर्टर फॉर अ कॉम्पिटिटर। एक कॉम्पिटिटर ने कहा भी आप हमारे साथ काम करें, हम आपको 15,000 देते हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, आई वॉन्ट टू इस्टेब्लिश माई ओन बिजनेस, मुझे अपना कारोबार करना है, मैं क्यों आपके साथ काम करूँ। अच्छा, इसी तरह से ही एक्सटीमेज हिज एंटरप्रेन्योरल टैलेंट आर वर्थ $3,000 पर ईयर। उसने सोचा कि मेरी एबिलिटीज़ की कीमत कितनी है? $3,000 पर ईयर है। टोटल एनुअल रेवेन्यू उसको जनरेट हो गया $72,000 का। अब आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो देखते हैं कैसे होंगे। आपने इसको बाइफर्केट कर लिया, 12,000 वर्कर्स को दे रहे हो, 40,000 के फंड यूज़ कर रहे हो, 5,000 आपने रेंट निकालना है एक्सप्लिसिट में ले जाओ, 4,000 इंटरेस्ट रेट जो मिल सकता था अब नहीं मिल रहा तो ये इम्प्लिसिट में चला जाएगा, 20,000 का रॉ मटेरियल ख़रीदा तो ये क्या हो गया? ये भी एक्सप्लिसिट में चला जाएगा। अब ये फार्मूलाज हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉरगॉन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं ताकि हमें सही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पता चल जाए। इसी तरह से इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, उसमें आपने टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट को भी माइनस किया और इम्प्लिसिट को भी माइनस किया। अब ये आपके पास हैं कैलकुलेशंस, फर्स्ट बॉक्स में आ जाएं। यहाँ पे आपका है इंटरेस्ट रेट 4,000, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज जो उसने सोचा था वो 3,000 था, किसी और ने उसको जॉब के लिए ऑफर किया था वो 15,000 था, तो इन तीनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया? टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी तरह से आ जाए एक्सप्लिसिट के ऊपर, उसने हेल्पर हायर किया, रेंट पे किया, मटेरियल बाय किया, तो अब ओवरऑल कितनी अमाउंट आ गई? 37,000, ये उसका एक्सप्लिसिट हो गया। इसी तरह से गोमेज ने सोचा कि अकाउंटिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है, उसका सिंपल फार्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट।
तो 72,000 टोटल रेवेन्यू था और टोटल कॉस्ट हमारे पास 37,000 थी, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 35,000। अब आपने इकोनॉमिक प्रॉफिट को भी समझना है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको पता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को, यानी कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। तो 72,000 में से आपने एक्सप्लिसिट को माइनस किया और इम्प्लिसिट को किया तो आपके पास आ गया 13,000। तो ये थे हमारी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट की कैलकुलेशंस, ये आंसर्स हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।